सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 पर अपने फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले की वैधता को बरकरार रखा था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत और एएस बोपन्ना की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने समीक्षा याचिकाओं को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि 11 दिसंबर 2023 को दिए गए फैसले में कोई खामियां नहीं थी। 5 जजों की पीठ ने 1 मई को पारित आदेश में कहा, समीक्षा याचिकाओं पर गौर करने के बाद उनके आदेश में कोई त्रुटि दिखाई नहीं देती है। सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश XLVII नियम 1 के तहत समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं है, इसीलिए समीक्षा याचिकाओं को खारिज किया जाता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी आर्टिकल 370 को फिर से जम्मू कश्मीर में बहाल करने को लेकर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। CJI DY चंद्रचूड़ की पीठ ने आर्टिकल 370 को हटाने जाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया था। पीठ ने कहा था कि यह एक अस्थायी प्रावधान है और राष्ट्रपति के पास इसको हटाने का अधिकार है। आपको बता दें कि पीठ ने राष्ट्रपति के आदेश को बरकरार रखा, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया। बता दें कि कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए 30 सितंबर 2024 की समय सीमा तय की थी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने।